शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कैसी है तू? दीदू, जब हम यहाँ आए ना, तो हमें ये एहसास हुआ कि हमसे कुछ छूट रहा है। पहले समझ ही नहीं आया कि क्या छूट रहा है। मैं जानती थी कीर्ति, तुझे ये जरूर एहसास होगा। दीदू, जब हमें एहसास हुआ ना, तो हमने तो अपना माथा ही पकड़ लिया। हमारे सारे जेवर वहीं छूट गए। आप प्लीज हमारे जेवर लेकर आ जाइए ना। तो मैं लेकर आऊं? हाँ ठीक है, लाती हूँ। ठीक है, बाय। आप अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और आप ऐसे भूख हड़ताल पर उतर गई। भाभी, अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो हमारे मुंह से निवाले कैसे उतरेंगे? हाँ भाभी, आप ही बताइए ना। तनुजा, तो हमें बिल्कुल भूख नहीं है। भाभी, आपको पता है, तनु भाभी ने आज आपके लिए आपके मनपसंद समोसे बनाए। हाँ भाभी, आपको वो विद्यापीठ वाले समोसे याद है? बिल्कुल वही स्वाद के। चलिए ना, आप चखके देखिए ना, आइए ना। चलिए ना भाभी, चलिए ना भाभी, हमें बहुत भूख लगी। चलिए 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 चलिए, आराम से आइए, आराम से संभल के, आराम से बैठिए। अच्छा भाभी, आप ना ये समोसा खा के बताइए कि आज भी हमारे हाथों में वो विद्यापीठ वाला स्वाद है या नहीं। भाभी, विद्यापीठ का तो पता नहीं, लेकिन आज हम समोसे का पूरा मजा लेंगे। हाँ हाँ, खाइए। तनुजा, हम ठीक है, लेकिन हमें खाने का मन अभी बिल्कुल नहीं है। आप एक काम कीजिए, अभय और श्रद्धा ना अभी ऑफिस से आते ही होंगे, उनके लिए रखवा लीजिए बस। अब अरे भाभी, चाय के साथ एक समोसा खा के तो देखिए, बिल्कुल वो विद्यापीठ वाला ही स्वाद आपको लगेगा। अरे खाइए ना भाभी, भाभी खाइए ना हमारे लिए। तनुजा, आप ये डब्बा वरुण और कीर्ति को दे आएंगी? नहीं भाभी, हम तो कतई उनके घर में नहीं जाएंगे। हाँ, जब तक आप कुछ खा नहीं लेती हैं। हाँ अभी खा लीजिए ना। अरे श्रद्धा। जी मम्मी जी। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? वो कीर्ति का फोन आया था, उसका कुछ सामान यहीं पर रह गया है, तो बस वही उसे देने जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो कि अगर इस बार तुम्हारी बहन कीर्ति इस घर में वापस आई, तो पता नहीं शांति के साथ साथ और क्या क्या लेकर चली जाएगी। और
और ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन वहां बैठ मत जाना। चलो अब जाओ। जी श्रद्धा, जरा यहाँ आइए। जी ताई जी। बेटा, ये हमने वरुण और कीर्ति के लिए बनाया था, उस वक्त तो उन्हें दे नहीं पाए, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। जी अरे रे दीदी जी, आइए आइए ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं ये कीर्ति को देने के लिए आई थी, आप ही दे दीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। अरे क्या दीदी, इतने प्यार से आपने हमें अपने परिवार के सुबह की आरती का हिस्सा बनाया था, अपनों की तरह हमें भी तो आपको अपने पार्टी का हिस्सा बनाना चाहिए ना। चलिए आइए। अरे नहीं नहीं, ये ये क्या लाए हो दीदी, हम भी तो देखे क्या आएंगे। गाइस ये देखो, आज चखने में लड्डू आया है। हो गया, क्या बदतमीजी है ये। अरे यार वरुण, बुरा क्यों मान रहा है भाई, हम तो बस मजे ले रहे हैं यार। देखो मैं अरे कीर्ति, क्या गजब का हाल है यार। कीर्ति, तुझे यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है कीर्ति, और तूने ये सब करना शुरू कर दिया है। ये तो प्लीज आप अपनी लेक्चर में शुरू कर दीजिए, ये हमारा घर है, हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, हम आजाद हैं।
भरी इस आजादी की खुशी में अपना खास टॉक टॉक वाली वीडियो बनाते ना कीर्ति। Exactly. साल अभी खत्म भी नहीं हुआ है और साल का सबसे बड़ा जश्न हमारे महल में। स्वागत है दोस्तों। बहू को मजे उड़ा रही है, घर में मदिरा की गंगा बहा रही है और आप यहाँ उन दोनों के पीछे भूख हड़ताल पर हो। हे भगवान, कितनी बेशर्म हो गई है कीर्ति। हाँ, दूसरों को सुनाते सुनाते ना तनिक अपनी बहू रानी पर भी नजर घुमा दिया कीजिए। क्या मतलब है आपका ऋतु? हम ये कहना चाह रहे भाभी कि सिर्फ वरुण और कीर्ति नहीं, आपकी प्यारी और कमाऊ बहू श्रद्धा ने भी सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। अरे ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ मम्मी, बुआ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो ये देख लीजिए। भगवान, ये बाकी सबको तो छोड़िए, श्रद्धा भाभी को देखिए, उनके हाथ में भी बियर की बोतल है। अब तक तो पूरे के पूरे कानपुर में खबर फैल गई होगी कि हमारे त्रिपाठी खानदान की बहुएं क्या क्या करती फिर रही हैं। हे भगवान, श्रद्धा कितनी बेशर्म हो गई है। जी 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 जी। तुम्हारी बीवी ना फिल्म की हीरोइन से कम नहीं। आज सुबह तो गला फाड़ फाड़ के रोई जा रही थी अपनी बहन के जाने पे, और अब देखो उसके साथ ही मजे किए जा रही है। कैसी बीवी है तुम्हारी? हो गया मेरा काम।
तुमने ऐसा क्यों किया श्रद्धा? अबे इसमें श्रद्धा की कोई आप जैसा समझ रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं तो बस यहाँ पर ले भाई ठंडा पी ठंडा रहे मस्त रहे. अच्छी पार्टी थी कीर्ति. फिर कभी करते हैं. अभी रात बहुत हो गई है. चलते हैं. अरे सुनो कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे अभी तो मजा आना शुरू हुआ था. कहाँ जा रहे हो? बाहर वालों को क्या दोष दूँ श्रद्धा, जब समस्या की असली जड़ तुम हो. अबे श्रद्धा की तू तो मेरे मुंह मत लगा. सही कहा था मैंने, अपनी बीवी का पालतू कुत्ता है तू. जो उसके आगे पीछे बस नाचता घूमता है. आज तेरी वजह से पूरी दुनिया हंस रही है हम पे. हमारी इज्जत के झंडे गाड़े हैं तूने पूरे कानपुर में. तू ये सब क्या बातें कर रहा है अबे? तू मेरी बात बीवी की वीडियो पूरे कानपुर में वायरल हो रही है. इसके सामने तो तेरा जुबान खुलती नहीं है. कम से कम उस वीडियो को तो रोक ले सबके सामने आने से. सोशल मीडिया पे जा, उस वीडियो को ढूंढ और रोक उसे. नहीं तो ना तेरे साथ साथ तेरे परिवार की भी इज्जत नहीं बचेगी. मुझे अच्छे से आता है इन लोगों से डील कैसे करना है. तुम हमारे ही घर में हमें धमकी दे रहे हो. मुझे तुमसे मुंह ही नहीं लगना है. और तुम, तुम्हारी गलती ये है कि तुम गलत लोगों की बातों में आके गलत फैसले लेती हो. तभी तुम यहाँ आ गई ना आज. अरे ऐसे लोग सिर्फ मुसीबत देते हैं. इनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए. अबे तुम्हारी औकात नहीं है हमें कुछ बोलने की. हमारे सामने हमारे ही घर में खड़े होके हमें ही सुना रहे. भला हो हमारा कि हम तुम्हें अभी तक घर से बाहर नहीं निकाले. समझे? बस कीर्ति बहुत सुना चुकी है तू और मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ. अब तूने एक शब्द अगर मेरे पति के खिलाफ कहा है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदू. आप पे भरोसा करके अपना जेवर मंगवाया. आप दोनों ना हमारे घर से अभी के अभी बाहर निकलिए. निकल जाओ हमारे घर से. श्रद्धा एक बात मेरी कान खोल के सुन लो. आज के बाद इस घर की दहलीज पे कदम नहीं रखोगी तुम. हमसे इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है. प्लीज अब अंदर तो. अभय ने साफ मना किया है इस घर की चौखट को पार करने के लिए. संभल के वरुण जी. अभय 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 जाने के बाद भी वापस आके तुम्हें तमाशा ही करना है. अगर हमारा तमाशा इतना खटक रहा है ना तो अपनी बीवी को काबू में करना सीखो क्योंकि वो इस वक्त हमारे घर पे है.